आप वहां मंदिर तोड़ने का काम कर रहे हैं, सब मिले हुए और 176 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस आपने अयोध्या में दे दिया। ये आपका दोहरा चरित्र है, इसलिए मंदिर और राम की आस्था आप मत सिखाइए। बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ना मुझे मैच फिक्सिंग की जरूरत है, ना फेक न्यूज की जरूरत है, ना फर्जी रजिस्टर बनाने की जरूरत है। बीजेपी के कहने पर आपको ब्राह्मण बताना पड़ा? हमें बीजेपी पे नहीं बनाना पड़ा। जब आप बताओगे फर्जी सर्टिफिकेट से लेके, और आपके चैनल ने भी दिखाया कि नॉन मुस्लिम के रजिस्टर पे राहुल गांधी ने दस्तखत किए क्योंकि वो हिंदू ही नहीं है, तो आप नॉन हिंदू है, तो आपने चलाया ना, ये तो सबके चैनल पे चला, कैसे चला ये तो आपको जानकारी रखनी चाहिए थी अंजना जी। दबाव में उन्होंने जहां साइन किया दिखाया सबने, क्योंकि वो फर्जी था। अगर उसको चेक कर लेते, दबाव में नहीं, अगर रजिस्टर चेक कर लेते तो हमें बताना ही नहीं पड़ता। और जहां तक हिंदुत्व की बात करते हैं, इनको क्यों तकलीफ होती है? क्या आरपीएन सिंह मंदिर नहीं जा सकते हैं? और मैं कह सकता हूं जिस इलाके से आता हूं पडरौना में, और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे बगल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, उनके डिवीजन में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मंदिर बनाया है आरपीएन सिंह ने बनाया है, पर इलेक्शन के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। आस्था की बात है और ये होती है आस्था। और आप मंदिर बनाते नहीं है और इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हम एक संवैधानिक सीट पर बैठे हैं, हमने ये किसे बरगला रहे हैं? ये बाबर के रिश्तेदार नहीं, 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 मंदिर तोड़वाने का काम बाबर ने किया था, काशी में ये बाबर ने किया था, ये बाबर के रिश्तेदार लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बाबर के रिश्तेदार। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से बोल रहा हूँ, मंदिर तोड़ना तो सोच, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। कॉरिडोर के नाम पर काशी में 36 मंदिर हम मंदिर बनाने वाले लोग हैं, मंदिर तोड़ने वाले बाबर के रिश्तेदार। 176 मंदिरों को तोड़ने का आपने नोटिस दिया है, ये आपका दोहरा चरित्र है। पूरे देश को मैं देख के आया हूँ, ये देखा कौन सी आंखों से लेकर आए हैं कार्यक्रम में? बाबर के रिश्तेदार लग रहे हैं ये, आप देश के माननीय मंत्री बाबर शाही आप कर रहे हैं, आप नादिर शाही काशी में कर रहे हैं, एक एक काशी में बाबा भोले विश्वनाथ का मंदिर, बाबा भोले का नारा लगा के मंदिर करवा रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, भोले बाबा आएंगे मंदिर सारे तोड़वाएंगे, वहाँ आपका नारा है। ठीक है, जवाब सुनते हैं। और अभी वहाँ पे धरना दिया लोगों ने, आंदोलन किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, किसी मंदिर तोड़ना तो दूर, सोचना भी दूर, उसकी कल्पना करना भी हमारे सपनों में भी नहीं। जो ये सूचना भाई हमारे संजय भाई लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता, बनारस नहीं मेरा पता होगा, बनारस मेरा घर है और मैं वहाँ का, मेरा एक रिश्ता है बनारस से, मैं वहाँ का 2.5 साल से संस्कृति मंत्री होने के नाते उससे जुड़ा भी हुआ हूँ। ये देख लीजिए उस व्यवस्था, दिखाइए आप उस व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक करने के लिए मैं उसमें ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मंदिर तोड़े गए, लेकिन किस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं काशी में? अरे करिए ना, आपने प्राचीन मंदिर तोड़ा आपने वहाँ, मंदिर योगी की राम मंदिर बनाने के लिए के हमने उस कोर्ट पर 36 मंदिर तोड़े हैं। हम अपने कोर्ट पर विश्वास करते रहे, कोर्ट ने व्यवस्था दी, आपने हम नहीं कर सकते, हम आगे आपने हनुमान जी का भी मंदिर वहां तोड़ा है। ये देखिए देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अरे खड़े होकर आवाज उठाइए, नादिर शाही दिखा रहे हैं आप वहाँ, बाबर शाही, हमने कोई मंदिर वहाँ नहीं, आपने 176 लोगों को नोटिस दिया अयोध्या में मंदिर तोड़ने के लिए, वहाँ पुराने मंदिर तोड़ रहे हैं। हमने कह जो दिया काशी नगरी है उसकी कल्पना उसकी प्राचीनता को बनाए रखिए। मुझे नहीं पता है मंत्री जी, मैंने आपको क्या पत्र किसी भी लिखा है, क्या किसी और के भी संज्ञान में आज तक कोई मंदिर भारतीय जनता पार्टी तोड़ा जा रहे हैं? यहाँ किसी और हमारे साथ चले लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग भी सुन रहे हैं, देशवासी करोड़ों देशवासी सुन रहे हैं, कौन सा आज तक पे चलाइए खबर, बरगलाइए मत, आज तक खबर चलाइए, आप उस कांग्रेस वाले खबर चलाइए, नहीं आप कांग्रेस के पार्टनर बन गए मंदिर जी, मंत्री जी 36 मंदिर योगी सरकार ने तोड़े हैं काशी में। आप कांग्रेस के पार्टनर बन गए, ये बात अच्छी बात है, धर्म संसद हुई है 3 दिन आपके खिलाफ, आपकी मजबूरी है कांग्रेस का पार्टनर बनना, बनी धर्म संसद हुई उसी काशी में, इसलिए कृपा करके मंदिरों को मत तोड़िए। ठीक है, जो प्राचीन धरोहर है काशी की, धरोहर को मत तोड़िए। उनका जवाब सुनिए, कोर्ट का ऑर्डर। शपथ पूर्वक कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ और स्वयं उसके लिए जिम्मेदार भी हूँ, सरकार भी है वहां हमारी, कोई भी एक भी मंदिर को वहां नहीं तोड़ा गया, और अगर तोड़ा गया तो जितनी जनता आप यही गीता मंगाइए, मैं शपथ उठा के खा लेता हूं सबके सामने, सही बात, मैं देख के आया हूं मंदिर तोड़े गए आप, दूसरा था आप झूठी शपथ खा रहे हैं। विश्वनाथ का मंदिर, राम का मंदिर ये बनाना, इनका जीर्णोद्धार करना, ये हमारा संकल्प है, हम करेंगे, इसे बिल्कुल करेंगे, देश की जनता को,
देखिए हमने कोर्ट पर, कोर्ट ने एक तारीख दी, हम इस तारीख का सारे साधु संत रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए। संजय जी जरा आप भी बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा आप निकालिए प्रभु राम को। सुन लीजिएगा, हमने एक कोर्ट ने एक तारीख मुड़कर रखी कि इस तारीख को हम फैसला देंगे। हम लोगों ने इंतजार किया, संवैधानिक व्यवस्थाओं में हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारी हाईएस्ट संस्था है, उन्होंने एक फैसला दिया, उसके खिलाफ देश की जनता ने अपना प्रतिरोध दिखाया, गुस्सा दिखाया, सरकार उसने उसको संज्ञान लिया, सरकार उस पर अपना कदम जल्दी ही घोषणा करने जाएगी, जो भी कदम होगा, जो भी कदम होगा, सरकार उस पर संज्ञान ले लिया है कि देश की जनता से हम लोगों ने वादा किया था, लेकिन हम संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहकर वो काम करना चाहते थे, इसलिए हम मंदिर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, रहेंगे थे। सबरी